हाँ जी बाबा, ये अभी आपके बारे में जो बाप दादा की बाड़ी जो अव्यक्त बाड़ी बोलते हैं, वो बाप कौन है और दादा कौन है? हाँ, क्या प्रश्न आया? हाँ, हमें कोई मतलब नहीं, हम डिस्टर्ब करते रहेंगे। हाँ, अभी वार्तालाप का क्लास चल रहा है, तो कोई वार्ता शुरू करता है तो शांत होकर के सुनना चाहिए। प्रश्न ही अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो उसका जवाब ध्यान बैठेगा नहीं। तो माता ने अभी प्रश्न किया कि अव्यक्त वाणी जो चलती है उसे बाप दादा की वाणी कहा जाता है। बाप दादा कहते हैं, गुलजार दादी के द्वारा बाप दादा की वाणी चली, उसे बाप दादा क्यों कहते हैं? क्या? हाँ, तो हम जानते हैं कि दादा बड़े भाई को कहा जाता है, है? कहते हैं दादागिरी दिखाता है। कोई राजा का बड़ा बच्चा होता है तो गद्दी का मालिक बनता है कि नहीं? है? बनता है। तो जो गद्दी का मालिक बनेगा वो छोटे भाइयों के ऊपर दादागिरी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? वो दादागिरी दिखाता है, इसलिए उसका नाम दादा रखा। ये शक्ति रूपी वृक्ष है, मनुष्य शक्ति रूपी वृक्ष है। उसका बड़े से बड़ा, पहले से पहला पत्ता कौन है? है? कृष्ण वाली आत्मा। तो जो कृष्ण वाली आत्मा ब्राह्मणों की दुनिया में है वो कौन है? ब्रह्मा वाला। वो हम जानते हैं कि ब्रह्मा जो है वो सृष्टि का पहले से पहला बड़े से बड़ा पत्ता बनने वाला है। तो हम मनुष्य आत्माओं के लिए हमारा उसके साथ जन्म जन्मांतर का कौन सा संबंध है? हम किस रूप में उसे देखें? वो हमारा कौन है? हैं? बड़ा भाई है। क्या है? हमारा बड़ा भाई है, मन दादा है। इसलिए कृष्ण की सोल है दादा। और षष्ठी रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है उसको जन्म देने वाला बीज बाप कौन है? कौन है? हैं? प्रजापिता। हाँ, राम बाप। राम बाप को कहा जाता है, कृष्ण बच्चे को कहा जाता है, षष्ठी का पहला पहला बच्चा। तो कृष्ण वाली आत्मा हुई दादा और राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश किया हुआ हो, क्या? राम वाली आत्मा जिसमें शिव प्रवेश किया हुआ हो, बेहद का बाप जो आत्माओं का बाप है वो मुकर्रर रूप से जिसमें प्रवेश करता है वो है हमारा बाप। बेहद का बाप है, क्या? आत्माओं का भी बाप है और मनुष्य सृष्टि का भी बाप है। तो वो प्रैक्टिकल पार्टधारी इस दुनिया में है या नहीं है? है। तो गुलजार दादी के अंदर जब वाणी चलती है तो वाणी चलाने वाली आत्मा कौन है? कृष्ण वाली, दादा वाली आत्मा वाणी चलाती है। लेकिन वो किसकी याद में है? बाप की याद में। बाप की याद में होने के कारण आपने जिन्होंने देखा है वो पार्ट, वो समझते हैं कि उस समय गुलजार दादी की आंख दिखाई पड़ती है या कोई दूसरी आंख दिखाई पड़ती है? दूसरी दृष्टि दिखाई पड़ती है। और वो दूसरी दृष्टि जो है वो व्यक्त भाव में दिखाई पड़ती है या व्यक्त स्टेज में दिखाई पड़ती है? हैं? व्यक्त में दिखाई पड़ती है। अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है, जैसे गुरु नानक की अव्यक्त स्टेज दिखाई पड़ती है,
महात्मा बुद्ध का चेहरा अव्यक्त दिखाई पड़ता है, क्राइस्ट का चेहरा अव्यक्त दिखाई पड़ता है, ऐसे देखने में आते हैं जैसे इस दुनिया में नहीं बैठे हैं, आंखें खुली हुए होते भी कहीं दूसरी दुनिया में है उनकी दृष्टि। ऐसे ही गुलजार दादी में जब प्रवेशता होती है तो वो आत्मा जो प्रवेश करती है वो किसकी याद में है? बाप की याद में। इसलिए बाप दादा कहा जाता है। अरे बाप, ब्रह्मा की आत्मा जो बाप की याद में रहती है तो ब्रह्मा का जो बुद्धि में उसकी ज्योति बिंदु बैठा हुआ था वो तो साकार में किसको मानता ही था बाप। हाँ की बात क्यों कर रहे हैं, वर्तमान में नहीं है वो आत्मा, अभी है। मैं सभी छोड़ने के बाद मैंने तुम, हाँ तो तुम पास्ट को ही याद करते हो अभी तक, ब्रह्मा को तुम ब्रह्मा के पास्ट के रूप को अभी तक याद करते रहते। जब तक शरीर नहीं छोड़ा था तब आप पास्ट में ही क्यों याद कर रहे हैं उसे? आप त्रिमूर्ति सेवा आपको याद नहीं आ रहा है? मेरे को समझ में आ रहा है। आप बात किसकी कर रहे हैं? हम तो ब्रह्मा को पूछ रहे हैं जो उसको तो बुद्धि में बिंदु था जब तक शरीर नहीं छोड़ा। वो ब्रह्मा वाली आत्मा अभी नहीं है क्या? अब समझ रही है जब वो। अच्छा आप समझ में आपके आ गई, अभी तक समझ नहीं आई। हाँ अभी तक कंफ्यूज था, चलो कंफ्यूजन उड़ गया कि वो ब्रह्मा की सोल अभी भी पार्ट बजा रही है और प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रही है, लेकिन अभी दो रूपों में तीन रूपों में पार्ट बजा रही है। एक पार्ट तो बेसिक ब्राह्मण वालों को भी समझ में आ रहा है कि गुलजार दादी में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करती है। दूसरा पार्ट वो है जो शंकर के मस्तक पर चंद्रमा के रूप में दिखाया जाता है। वो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा चंद्रमा है, माने उस आत्मा को अपने संपूर्ण आत्मा के स्वरूप की पहचान अभी नहीं हुई है, अधूरे स्वरूप की पहचान हुई है। वो अपने स्वरूप को नहीं पहचानता है कि मैं तो कृष्ण बच्चा हूं, मैं कृष्ण का बाप प्रैक्टिकल में नहीं हूं। है ऐसा हो सकता है कि वो ही बाप हो वो ही बच्चा हो? है सत्युग में कृष्ण बच्चा होगा तो प्रैक्टिकल में उसका बाप भी कोई होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये बात पक्की पक्की सदा काल के लिए कृष्ण की बुद्धि में अभी भी नहीं बैठ रही है, इसलिए अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। उस अधूरे चंद्रमा को भारत के लोग मानते हैं या मुसलमान ज्यादा मानते हैं? है? दूसरे धर्म के लोग अधूरे चंद्रमा को मानते हैं, क्योंकि अधूरे चंद्रमा से दूसरे धर्म की आत्माओं को उसकी गोद में बहुत प्यार मिला है। मिला है या नहीं मिला? यज्ञ के आदि से ही जो बाप समान आत्माएं थी, राम बाप समान, वो तो छोड़ के चली गई, बाकी कौन से धर्म की रह गई? ब्राह्मणों की दुनिया में जो अधूरे ब्राह्मणों की आत्माएं थी, इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली, वो ब्रह्मा की गोद में पलती रही। तो जिनकी गोद में उन्होंने पालना ली है उसको याद नहीं करेंगी? है? तो दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं जो हैं वो अधूरे चंद्रमा को ज्यादा मान्यता देती है। भारतवासी जो हैं वो पूर्णमासी के चंद्रमा को विशेष मान्यता देते हैं। माना कृष्ण वाली आत्मा अभी संपूर्ण नहीं है, अधूरा पार्ट बजा रही है, ज्ञान बुद्धि में पूरा पूरा एडवांस बुद्धि में बैठा नहीं है, इसलिए वो शंकर के मस्तक पर अधूरा चंद्रमा दिखाया जाता है। वो भी एक पार्ट है, वर्तमान में प्रैक्टिकल में चल रहा है। वो आत्मा अभी पढ़ाई पढ़ रही है उस चंद्रभाल के द्वारा या पढ़ा रही है? कृष्ण की आत्मा भी अभी पढ़ाई पढ़ रही, उसकी पढ़ाई चालू है। ये बात अगर बेसिक ब्राह्मणों के सामने बोलेंगे तो नाराज होंगे, इसलिए उनको तरीके से समझाना पड़ेगा। तो वो पढ़ाई पढ़ रही है, वो पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है,
जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो उस आत्मा की बुद्धि में भी ये बात बैठ जाएगी कि मैं गीता का भगवान नहीं हूँ, गीता का प्रैक्टिकल साकार में भगवान का पार्ट बजाने वाला सत्युग में जो मुझे जन्म देगा, कोई तो जन्म देगा, जो जन्म देगा वो ही स्वरूप गीता का प्रैक्टिकल में साकार में भगवान का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है अभी। तो ये पार्ट दूसरा हुआ। तीसरा पार्ट वो है जो महाकाली के मस्तक पर चंद्रमा दिखाया जाता है, क्या वो तमो प्रधानता का पार्ट है या सतो प्रधानता रजो प्रधानता का पार्ट है? एकदम तमो प्रधानता का पार्ट। असुर संहारिणी का पार्ट। हाँ बोल। बोलता है बच्चे लोग बोलता है जो युवक को माला पड़ता है और एक बच्चे को महिला को माला क्यों नहीं पड़ेगा? और जो माता जुगल है उसका माला बनता है और एक माता को माला क्यों नहीं? अरे आपकी भाषा भाषी जो नेपाली जानने वाले हैं वो ही नहीं समझ पा रहे हैं, हम कहाँ समझेंगे। हिंदी में तो पूरा नहीं सही भाषा। हाँ हिंदी में ना ना ताली हमारी समझ में नहीं, इनकी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। युवक को माला पड़ता है और एक को माला पड़ता है। हस्बैंड वाइफ दोनों मौजूद है, हस्बैंड वाइफ दोनों मौजूद है साकार में, जिसमें हस्बैंड भी जिंदा है और वाइफ भी जिंदी है, तब दोनों को माला मिलेगा। लेकिन जब उसका हस्बैंड एक्सपायर कर जाता तो युवन को माला क्यों नहीं मिलती है? चरण में आप तो ये तो पूछ रही है क्या? कोई जोड़ी है, पति पत्नी की कोई जोड़ी है। जीवन नहीं चलता है जो। अच्छा अच्छा, ज्ञान में पति पत्नी दोनों जिंदा तो हैं, ज्ञान में जिंदा नहीं है। एक पत्नी ज्ञान में चल रही है और पति ज्ञान में नहीं चल रहा है। हाँ हाँ, तो पूछना यह है कि वो माला में आएंगे या नहीं? हाँ पति और पत्नी दोनों चलते हैं ज्ञान में। हाँ माला और जिसका पति नहीं चलता उसका पति चलता है, जिसका पति चलता है तो पति नहीं चलता, उसको माला पहनेगा कि नहीं? नहीं, इसका मतलब है बाबा ऐसा कह रहे हैं लोग, जैसा मान लो किसी की पत्नी ज्ञान में चल रही है, कतने बच्चे तुम्हारी बात तो हमें समझ में नहीं आएगी। हाँ माने कोई युगल है उनमें से दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, दोनों ज्ञान में चल रहे हैं। हाँ तो एक माता भी चलते हैं और भाई नहीं चलते हैं, उसको माला नहीं बनेगा तो माता क्या करेगा? अच्छा मतलब दो युगल हैं, दो युगलों में से एक युगल ऐसा है जो दोनों ज्ञान में चलते हैं और एक युगल ऐसा है जिसमें एक ज्ञान में चलता है एक ज्ञान में नहीं चलता है। तो उन दोनों में किसकी माला बनेगी और किसकी माला नहीं बनेगी? हाँ तो माला कोई एक प्रकार की तो है नहीं, मालाएं तो अनेक प्रकार की है, आठ की माला भी है, हो सकता है दोनों युगलों में से कोई ना आवे, हो सकता है ना। ऐसे ही 108 की माला है, 108 की माला में भी हो सकता है दोनों युगलों में से कोई ना आवे। फिर है ब्रह्मा की 1000 भुजाएं, हो सकता है कि दोनों युगलों में से एक भी ना आवे। फिर है 16000 की माला, हो सकता है कि दोनों युगलों में से जो दोनों ज्ञान में चल रहे हैं और जो दोनों ज्ञान में नहीं चल रहे हैं, एक चल रहा है एक नहीं चल रहा है, उनमें दोनों में से कोई भी 16000 की माला में ना आवे। चल तो रहे हैं लेकिन सरेंडर नहीं हो पाए अंत तक, क्योंकि 16000 की माला में भी वो ही आवेंगे राजघराने में जो क्या होंगे,
फुल सरेंडर हो जाएंगे। तन भी यज्ञ का, यज्ञ पिता का, धन भी यज्ञ पिता का, जैसे चलाए वैसे चलाएंगे, संबंधी भी यज्ञ पिता के, माने हर तरीके से सरेंडर जो हो जाएंगे अंत तक, अंत तक, अंत तक का जो रिजल्ट निकलेगा तब तक की बात है। तो अंत में जाके जो सरेंडर होंगे उनको अंत की गद्दी मिल जाएगी, राजघराने में आ जाएंगे। जैसे मान लो एडवांस की शुरुआत हुई 76 में, और 76 में चार आत्माएं थी बीज रूप चार धर्मों की, राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चार धर्मों की चार बीज रूप आत्माएं थी। राम वाली आत्मा तो आज से लेके अंत तक ज्ञान में पक्की रहती है और शिव बाप की सहयोगी बनकर रहती है, बाकी तीन जो विधर्मी आत्माएं हैं वो बाप को भूल जाती है या याद रखती है, भूल जाती है। विधर्मी है इसलिए विपरीत धर्म का आचरण करती है, विरोध करती है शुरुआत से ही, और शुरुआत से ही विरोध करने के कारण आज से लेकर के मध्य तक भी, माने अभी भी वो विरोधी है, विरोधी होकर चल रही होंगी या सहयोगी बन रही होंगी, मनसा से, वाचा से, कर्मेंद्रियों से, तन से, धन से सहयोगी होंगी या विरोधी होंगी, विरोधी होंगी। तो वो माला में अभी तक भी आने की अधिकारिणी नहीं बनी। लेकिन ये तो सर्टेन है कि यज्ञ के आदि में, यानी एडवांस के आदि में दिल्ली में उन्होंने सबसे जास्ती दुनिया में सहयोग दिया था कि नहीं, आदि में सहयोग दिया था ना। खेती में भी ऐसे समझते हैं, खेती करते हैं, मौसम शुरू हुआ और जिन्होंने पहले पहले बीज बो दिया धरणी में उनको अच्छी फसल मिल जाती, मिलती है कि नहीं, और लेट हो गए तो जितना ज्यादा लेट होते जाते हैं उतना उतना उनको कम फसल मिलती है। तो ऐसे ही आज उन्होंने बीज तो बोया है, थोड़ा बहुत तो बोया है, अगर आज में वो सहयोगी न बने होते तो राम वाली आत्मा दिल्ली में टिक पाती है, नहीं टिक पाती। इसलिए बोला है कि दिल्ली की सहयोगी आत्माओं को जिन्होंने आदि में सहयोग दिया है, चाहे वो माताएं हैं और चाहे वो भाई हैं, बाप अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। आपकी बातों का भी जवाब मिल रहा है इसमें, आप समझिए बात को। तो वो तीनों आत्माएं जो विधर्मी आत्माएं हैं, विधर्मी बीज हैं, जब अंत होगा माला का, 16,000 की माला का आखिरी मणके जब पिरोए जाने वाले होंगे, तब अंत में जाकर के बाप को पहचानेंगे और बाप के सहयोगी बन जाएंगे और फुल सरेंडर हो जाएंगे। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, जितना भी हुजूम लेकर के वो अभी बाप को विरोध कर रहे हैं, वो सारा हुजूम लेकर के अंत में बाप के क्या बन जाएंगे, अंत में जाकर के सहयोगी बनेंगे। तो त्रेता की लास्ट गद्दियों में मालिक बनेंगे या बीच में बनेंगे या आदि में बनेंगे, त्रेता के अंत में जाकर के 16,108 मण के माला के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आए आपके दोनों युगलों की बात, एक युगल दोनों ज्ञान में चल रहे हैं, एक युगल एक चल रहा है एक ज्ञान में नहीं चल रहा है। तो जो नहीं एक चल रहा है उसके लिए बाबा ने बोला है कि तुम्हारा पूरा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा, आज नहीं चल रहा है, हो सकता है कल चलेगा, कल नहीं चलेगा अंत में चलेगा, माने माला कंप्लीट होने से पहले ही वो ज्ञान में जरूर चलेगा। और वो ज्ञान में चला और कोई कोई आत्मा ऐसी पवित्र बुद्धि वाली होती है कि अंत में चलेंगी विजय माला के मणके की भांति,
विजय माला की हेड है ना, अंत में निकलेगी और निकलते ही फरंत स्वाहा, तो माला में आ जाएगी कि नहीं है? तो वो युगल है जिसमें से एक अभी चल रहा है और एक ज्ञान में नहीं चल रहा है। जो नहीं चल रहा है वो अंतिम समय में ज्ञान में चले और तुरंत सरेंडर हो जाए, तुरंत दान महाकल्याण हो जाएगा, वो माला में आ जाएगी। और उसकी पत्नी हो सकता है कि आज से चल रही है लेकिन पति के प्रभाव में रहती है, क्या शिव बाबा के प्रभाव में नहीं चल पाती। तो अंत तक अगर ऐसा ही रहेगा तो उसको क्या प्राप्ति होगी? उससे नीची प्राप्ति होगी पति से या ऊंची प्राप्ति होगी? नीची प्राप्ति होगी। पति जो लास्ट में जाने का, लास्ट में जाने पर भी फास्ट हो जाएगा और वो ऊंचा पद ले लेगा, पीछे हो सकती है। ऐसे ही फर्स्ट 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 युगल जो है वो दोनों चल रहे हैं, दोनों ज्ञान में चल रहे हैं। और दोनों ज्ञान में चलते चलते कभी बाप की बात मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं, कभी ध्यान से सुनते हैं, कभी नहीं सुनते हैं, कभी क्लास में जाते हैं, कभी नहीं जाते हैं, दोनों ही। कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। और अंत तक अगर ऐसे ही चलते रहे तो नफा नुकसान बराबर हो जाएगा, या नफा में रहेंगे या नुकसान में रहेंगे, तो बराबर हो जाएगा, जीरो बटे जीरो, जीरो बटे जीरो हो जाएगा। हो सकता है कि दोनों अभी तीखे चल रहे हों, रोज क्लास करते हो रेगुलर, और रोज पंक्चुअल क्लास करते हो, टाइम से पहले ही क्लास में जाते हो, तो टीचर की दुआएं लेंगे या नहीं लेंगे? हैं? वो युगल एक ऐसा युगल है क्लास का जो रोज पंक्चुअल है और रोज ही जाने वाला है, रेगुलर भी है, टीचर की पूरी दुआएं लेगा। टीचर की पूरी दुआएं लेने वाला जो स्टूडेंट है वो क्लास में अच्छा स्टूडेंट होगा या नहीं होगा? है, अच्छा स्टूडेंट होगा। बाप उन बच्चों को जिनको याद करते हैं, ये भी एक सर्विस है क्या, क्लास में टाइम से पहुंचना और रोज पहुंचना, इससे बाप की और टीचर की दुआएं मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो संगठन को मजबूत बनाते हैं। कौन? जो रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट है। संगठन को मजबूत बनाने की वजह से वो आत्माएं जो हैं वो बाप की नजरों में भी ऊंची हो जाएंगी और सारे ब्राह्मण परिवार की नजरों में भी ऊंची हो जाएंगी। हो सकता है कि वो लास्ट में बहुत ऊंचा पद पा जाए, क्योंकि बाप के दिल पर अभी भी चढ़े हुए हैं और लास्ट में भी चढ़े हुए रहेंगे। तो वो सतयुग के आदि से ही राजघराने में जन्म लेंगे या त्रेता के अंत में जाकर ही राजघराने में जन्म लेंगे? कब लेंगे? आदि से ही मध्य तक और अंत तक भी राजघराने में जन्म लेते रहेंगे। 16,000 की लिस्ट में भले आए लेकिन आदि से अंत तक राजघराने की आत्माएं बन करके रहेंगी, क्योंकि सरेंडर बुद्धि होकर के चल रहे हैं। बाबा, और वो शंकर को दिखाते हैं तो तस्वीर है, शंकर को दिखाते हैं। अरे इनकी बात जल्दी समझो। नहीं बाबा, हाँ हाँ आप अपनी बात नेपाली में कह दो, जल्दी से हो जाए। अच्छा हिंदी बोलते हैं? सरलाई है, आधी नेपाली आधी हिंदी। हाँ सरल रीत से हमको समझ में नहीं आ रही। हाँ शंकर है, वो तपस्वी रूप दिखाते हैं, तपस्वी रूप दिखाते हैं। हाँ उसको उसको पत्नी क्यों दिखाई है? शंकर को दो पत्नी क्यों दिखाई है? कौन कौन सी दो पत्नी दिखाई है? और पार्वती और गौरी, पार्वती और गौरी, नाम अलग है ना, पार्वती गौरी है ना, जो संध्या बोलते हैं ना, सत्य देवी का है ना, सत्य देवी और पार्वती है, एक है सत्य देवी और एक है पार्वती।
सती देवी, सत्य देवी नहीं सती, सती देवी वो पूर्व जन्म की है। क्या माने? शंकर की दो पत्नियां हुई। क्या जीवन तो शंकर का एक है, सृष्टि में आज से अंत तक शंकर को दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, जन्म मरण नहीं दिखाते। माने कहाँ की यादगार? संगम युग की यादगार है कि उनको निश्चय अनिश्चय का जन्म मृत्यु नहीं होता। तो आज में सती थी पत्नी, कौन? सती। सती माने सती साध्वी, किसको कहा जाता है? जिसकी कभी दूसरे के ऊपर दृष्टि न जाए, दृष्टि मात्र भी न जाए। पार्वती की तो कहते हैं गई थी एक बार, हैं? राम के ऊपर गई कि नहीं, हैं? कहते हैं राम के ऊपर गई। तो दो पत्नियां दिखाते हैं, एक है सती और दूसरी है पार्वती। मुरली में बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो, कभी मुरली में बोला तुम सब सती देवी हो, हैं? सती साध्वी हो, कभी बोला? नहीं बोला। माने सती साध्वी जन्म जन्मांतर की सिर्फ एक ही है। कौन? जो विजयमाला की हेड है। आज से लेकर के अंत तक के जन्मों में अगर पत्नी के रूप में कहीं वो जन्म लेगी तो किसको वरण करेगी? है? शंकर को ही वरण करेगी। उसकी आत्मा में दूसरी किसी आत्मा को, मनुष्य आत्मा को पति के रूप में वरण करने या संग करने का संस्कार समाया ही हुआ नहीं है। बाकी दूसरी ऐसी है जो तुम सब पार्वतियां हो, उनकी लिस्ट की है। माने तुम सब पार लगाने वाली हो। क्या पार लगाने वाली या डुबोने वाली? पार लगाने माने कुछ न कुछ सब में परसेंटेज में जो पार्ट है किसका? शंकर का जो पार्ट है, प्रजापिता का जो पतित पने का पार्ट है, उसको और उसके बच्चों को। प्रजापिता के बच्चे हैं ना? कौन है? सारी सृष्टि बच्चे हैं। तो सभी मनुष्य आत्माएं जो पतित बन चुकी हैं, डूब रही हैं विषय वैतरणी नदी में अथवा विषय सागर में, डूब रही है, कोई पार लगी, पार चली गई, सब डूब रही है। तो उनको तुम सब कन्याएं माताएं जो है वो पार्वती के रूप में पार लगाने वाली हो। क्या पार लगाने वाली? माने तुम्हारा लक्ष्य कोई डुबोने का नहीं है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है? पार लगे, स्वर्ग में जाएं। तो दो प्रकार की है, एक है जगदम्बा के रूप में और एक है सती के रूप में। तो पार्वती कहो उसे, जगदम्बा कहो, वो एक ही रूप हो गया, क्योंकि तुम सब पार्वतियां हो। जगदम्बा की भुजाएं हो या नहीं हो? है? है? दिखाई तो दे रहा है भुजाएं। हाँ, दिखाई तो दे रहा है भुजाएं। तो दो पत्नियां हैं। तो ये बात बुद्धि में बैठ नहीं रही है क्या? है कि शंकर को प्रैक्टिकल में भी दो पत्नियां हैं? नहीं बैठ रही है? बैठ रही है। माने जो जगदम्बाएं हैं वो 21 जन्म की साथ ही नहीं बनेंगी, लेकिन सती 21 जन्म की भी साथी बनेगी और 63 जन्मों में भी बहुत से जन्म ऐसे होंगे जिनमें वो पत्नी के रूप में साथी बनेगी। लेकिन जगदम्बा का पार्ट क्या है? 21 जन्म में तो भले साथी न बने, लेकिन 63 जन्मों में उसकी ललक रहेगी कि हम साथी बने। लेकिन कमजोरी है, सती तो थोड़ा कम है, इसलिए माया भटका सकती है, भटका देती है।
तो महाकाली का पाठ बजने लग पड़ता है। जो महाकाली का पाठ बजने लग पड़ता है उसमें वो फिर असुर संहारिणी का पाठ बजाती है कि शंकर बजाता है असुर संहारिणी के रूप में। गायन शक्तियों का है या देवताओं का है? शक्तियों का है। हाँ, तो शंकर को दो पत्नियां हैं ये समझ में नहीं आया है? आ गया। हाँ, और हाँ, पशुपति ने दो बैल दिखाया है। पशुपति नाथ में दो बैल दिखाए गए। हाँ, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े और छोटे दिखाने का मतलब क्या है? देखो, कांग्रेस सरकार बनी थी शुरुआत में, जब अंग्रेजों से राज्य लिया तो किसकी सरकार बनी? कांग्रेसी सरकार बनी। कांग्रेसी सरकार का जो चिन्ह था वो क्या था? दो बैलों की जोड़ी। क्या कब की बात है? हैं? जब नया संविधान बना इलेक्शन पीरियड में, कांग्रेस का इंदिरा गांधी का पाने तक बिफोर इंदिरा गांधी। सन 47 में स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता से मिलने से पहले से ही कांग्रेस बन चुकी थी या बाद में बनी? कांग्रेस पार्टी पहले से ही बन चुकी थी। ब्राह्मणों की दुनिया में भी यज्ञ के आदि में दो बैल थे मुख्य या एक था? कौन कौन थे? प्रजापिता ब्रह्मा। प्रजापिता और ब्रह्मा दोनों ही थे। राम और कृष्ण दोनों आत्माएं थी, एक छोटा बाबा एक बड़ा बाबा। दोनों बैल थे, आदि में भी दोनों थे, अभी वो कांग्रेस पार्टी में दोनों बैलों को उड़ा दिया है। अब वो पांच विकार हैं उनके। हाँ हाँ, तो भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट चल रही है ना, तो सीधे सीधे भ्रष्टाचार चलाते नहीं है। या तो 5 रुपया दे दो, नहीं तो 500 दे दो, नहीं तो 5000 दे दो, ऐसे इशारे से बात करते हैं। तो दो बैल जो हैं वो कोई दूसरे नहीं हैं, जिनको बाबा कहते हैं छोटा बाबा और बड़ा बाबा। ब्रह्मा बाबा है छोटा बाबा और शिव बाबा है बड़ा बाबा। दोनों ही बाबाएं हैं। क्या दोनों ही वानप्रस्थी हैं? तो छोटा बैल भी दिखाया है नेपाल में और बड़ा बैल भी दिखाया है। नेपाल में खास दिखाया है, इंडिया में जो मंदिर बने हुए हैं उनमें सब में दो बैल नहीं दिखाए। इसका क्या कारण है? हैं? इसका कारण यह है कि नई पाल माने नई दुनिया की पालना करने वाले ग्रुप। कौन? नई दुनिया की पालना करने वाला ग्रुप वो सूर्यवंशी है, चंद्रवंशी है, इस्लाम वंशी है, बौद्धि वंशी है, क्रिश्चियन वंशी है, कौन से वंशी है? सूर्यवंशी। ऊंची स्टेज में रहने वाले हैं या नीचे रहने वाले? ऊंची स्टेज में। इसलिए नेपाल का राज्य पहाड़ों पर है या गड्ढे में है, उन्हें मैदान में है? पहाड़ों पर राज्य है। सूर्यवंशी होंगे तो बड़े पावरफुल होंगे ना। हाँ, पावरफुल होंगे ना, है? तो जो पावरफुल होते हैं उनके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करता विदेशी। इंडिया के ऊपर आक्रमण किया, पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण किया, सब देशों के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन नेपाल के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण नहीं किया। क्यों नहीं किया? समझते हैं कि चारों तरफ से घिरा हुआ है रक्षक से, बाप हमारा रक्षक है। सूर्यवंशियों का सदाकाल के लिए रक्षक है, या कभी रक्षक है कभी भक्षक है? सदाकाल का रक्षक है।
नेपाली को भी ठगियां मारनी चाहिए, मारी खुशी के, खुशी चढ़ती नहीं है। और हाँ, जो भारत का झंडा होता है उसके बीच में वो चक्र क्या दिखाई दे रहे हैं? सफेद नहीं, वो पहिया जो होता है ना, पहिया चक्र दिखाते हैं, षष्ठी चक्र, वो षष्ठी चक्र दिखाया गया है। षष्ठी चक्र में 24 आ रहे हैं, जो डंडे हैं कितने हैं? 24 आ रहे हैं, माने सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को 12 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन से 12 हिस्से? सारी दुनिया के मनुष्य मात्र 12 राशियों में बटे हुए हैं कि नहीं? तो जो 12 राशियां हैं उन वो कौन है मुख्य? उन 12 राशियों में 12 ग्रह कोई होंगे ना, जिनकी दशाएं बैठती हैं, जिनमें से 9 तो दिखाई पड़ते हैं, देखने में आ गए हैं लोगों को, बाकी देखने में नहीं आ रहे हैं। हाँ, 10वां अभी कुछ आविष्कार किया कि 10वां भी कोई है, ऐसे ही 11वां 12वां भी है जरूर, किसी को पता नहीं है। माने 12 जो विशेष आत्माएं हैं वो सूर्यवंशियों की हेड हैं, मुखिया। माला में 108 मणके हैं ना, 12 नेमा 108। तो जो पहले पहले 12 सूर्यवंशी हैं वो सिंगल होंगे या डबल होंगे, निवृत्ति मार्ग के होंगे या प्रवृत्ति मार्ग के होंगे? है प्रवृत्ति मार्ग के होंगे तो उनकी योगलों को नहीं देखेंगे, नहीं उठाएंगे? उठाएंगे। माना जब है ही प्रवृत्ति मार्ग के तो 12 वो पुरुष और 12 उनकी साथी, जो प्योरिटी में सहयोग देने वाली है। 24 हो गए, ये 24 के आधार पर ये षष्ठी चक्र घूमता रहता है, उसकी यादगार वहां चक्र में दिखाई जाती है। फिर दूसरी बात पूछी, अशोक चक्र, उसका नाम तो दिया है अशोक चक्र, लेकिन कहीं चक्र दिखाते हैं और कहीं अशोक की लात भी दिखाते हैं। अशोक की लात का मतलब यह है ये 3 आत्माएं हैं षष्ठी की विशेष, ऐसे 33 करोड़ देवताएं भी विशेष हैं 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच में, लेकिन 3 आत्माएं विशेष है, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये 3 शेरों के रूप में दिखाई है। जैसे शेर होता है ना जंगल में तो दहाड़ मारता है तो सब प्राणी डर जाते हैं, या कोई उसका मुकाबला करता है सब डर जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा का कोई मनुष्य मात्र ने मुकाबला कभी किया क्या? ब्रह्मा बाबा के जीवित रहने तक इस संसार रूपी जंगल में ब्रह्मा जैसा शेर जब ज्ञान की दहाड़ मार रहा था उस समय कोई मनुष्य मात्र ने, कोई भी धर्म के व्यक्तित्व ने, महान आत्मा ने उनका मुकाबला किया गया? किया नहीं? किया। तो एक शेर हुआ कि नहीं? फिर दूसरा शेर कौन? प्रजापिता नहीं कहो उसको, प्रजापिता तो हाँ उसको शेर नहीं कह सकते, प्रजापिता तो बकरा भी बनता है। ठीक है, जगदम्बा को, जगदम्बा तमो प्रधान को ही कहा जाता है या सतो प्रधान को भी कहा जाता है? है जगदम्बा शेर नहीं हो सकती है या शेर है? है शेर नहीं है या शेर है? शेर नहीं हो सकती। यहाँ तो 3 शेरों की बात है, कौन है? शंकर। त्रिमूर्ति में दूसरी मूर्ति कौन सी है जो पार्ट बजाती है दूसरे नंबर पर? है नहीं, माता कह रही है पहली मूर्ति वर्मा, दूसरी मूर्ति विष्णु, तीसरी मूर्ति शंकर। लेकिन प्रैक्टिकल में दूसरी मूर्ति विष्णु है? चित्र की बात बताइए,
नहीं, माता ने चित्र की बात बताई कि ब्रह्मा के बाद विष्णु, विष्णु के बाद शंकर तीसरी मूर्ति, लेकिन जो चित्र है वो चित्र किसने बनाए हैं? वो मनुष्य ने बनाए, लेकिन मुरली बाबा ने क्या बोला? आप मुरली की बात मानेंगे या मनुष्यों के बनाए हुए चित्रों की बात मानेंगे? मुरली की बात मानेंगे, आप तो मुरली के ऊपर चलने वाले हैं। तो मुरली ने कहा है ऐसे नहीं समझाना चाहिए कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, नहीं ये रंग हो जाता है। हाँ रंग, फिर तो आप हस्तक्षेप क्यों करती हो बीच में? आप जानती हो ये बात रंग है तो बात सही बात को उठाओ। हाँ तो दूसरी मूर्ति है शंकर, और जो शंकर की मूर्ति है वो भी एक शेर जब चला जाता है जंगल में, खत्म हो जाता है तो दूसरा शेर आता ही आता है, तो ये दूसरा शेर है। वो जब ज्ञान की दहाड़ मारेगा तो उसका मुकाबला इस संसार रूपी जंगल में कोई ऐसा है जो उसका मुकाबला करे? ज्ञान में करता है कोई आमने सामने आकर? है नहीं करता है। विष्णु विष्णु पार्टी वाले ढेर के ढेर निकले हैं एडवांस पार्टी में, निकले कि नहीं है? कोई सामने आकर के मुकाबला कर रहा है? है पीछे से भले कुछ करते रहे, बोलते रहे, कच्चों कच्चों को तोड़ फोड़ करके बरगलाते रहे, लेकिन सामने आकर के कोई मुकाबला नहीं करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ना अस्तित्व है कमजोर आत्माओं के लिए, जिन्होंने बाप को पूरी रीत नहीं पहचाना उनके लिए। तो वो दूसरा शेर हुआ जो संसार रूपी जंगल में ऐसी दहाड़ मारता है कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं करता, जब तक वो प्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजाता है तब तक कोई मुकाबला करता है? नहीं करता। ऐसे ही फिर बाप का जो पार्ट है वो तीनों मूर्तियों में कौन सी मूर्ति है जिस मूर्ति के द्वारा बाप का पार्ट है? सिर्फ एक ही मूर्ति होगी या दो बाप होंगे? हैं? एक ही मूर्ति होगी, वो कौन है जिसको शंकर कहते हैं? नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता, नेक्स्ट टू गॉड इज कृष्ण, नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण। तो एक ही व्यक्ति हुआ नेक्स्ट टू गॉड या अलग अलग है? चार हैं, एक ही कौन है? नारायण कहो चाहे शंकर कहो चाहे प्रजापिता कहो, बात एक ही है। तो जो बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली दूसरी मूर्ति है वो बाप अपने को प्रत्यक्ष करेगा, कर रहा है न करेगा और न अभी कर रहा है, किसको प्रत्यक्ष करेगा? हैं? बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा। तो बच्चों में से कौन से बच्चे पहले हैं? शंकर, वो तो बाप का रूप हो गया। कौन से बच्चों का ग्रुप है जो पहला पहला ग्रुप गिना जाता है? त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति जो है वो बाप का पहला ग्रुप गिना जाता है। पहलौटी के बच्चे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, अब शंकर तो बाप के रूप में हो गया, तो बाकी कौन बचे? ब्रह्मा सो विष्णु। तो जो विष्णु का स्वरूप धारण करने वाली आत्माएं हैं वो कौन कौन है? एक तो जगदम्बा, दूसरी वही सती, सती कहो या उसको अब्बल नंबर पार्वती कहो, तीसरा रूप हुआ ब्रह्मा। ब्रह्मा वाली आत्मा भी ब्रह्मा के पांच मुख में से एक है या नहीं है? वो विष्णु का रूप धारण करेगा कि नहीं करेगा? माने कृष्ण की आत्मा और राधा, ओम राधे, ओम राधे भी विष्णु के स्वरूप में सम्मिलित होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये चार जो बच्चे हैं, बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है या अपने को प्रत्यक्ष करने में लगा हुआ है? तो विष्णु के रूप में वो चार बच्चे जब प्रत्यक्ष हो जाएंगे तो
तो बाप अपने को गुप्त रखेगा। क्या बाप का काम पूरा? क्या काम पूरा? विष्णु प्रत्यक्ष हो गया, माने नई दुनिया प्रत्यक्ष हो गई। बाप कहाँ जाके बैठेगा? परमधाम। कौन सा परमधाम में जाके बैठेगा? साकार परमधाम बनेगा या निराकार परमधाम ही रहेगा? हाँ, इस सृष्टि पर कोई साकार परमधाम की भी स्थापना होनी है। तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, कहाँ होगा? माउंट आबू। वहाँ जो भी बच्चे बाप के होंगे सूर्यवंशी, वो सब निराकारी स्टेज में होंगे, आत्मिक स्टेज में होंगे। तो ये तीन शेर हैं, उनको अशोक की लाट के रूप में दिखाया जाता है। लाट माने सेम्बुल। क्या उनको कभी शोक नहीं हो सकता? किनको? तीन शेरों को। संगम युग में उनको शोक होता है, दुख होता है? होता है? नहीं होता। विष्णु जो सती हुई वो प्रत्यक्ष नहीं होगी वैष्णवी देवी के रूप में? हाँ, तो कोई प्रैक्टिकल रूप भी तो है त्रिमूर्ति में। विजय माला का आवाहन करो, उसी के लिए कहा कि विजय माला का आवाहन करो। टाइम हो गया बाबा, चलो अभी है बाबा। हाँ, एक मुरली में बोला है कि पैसा हो तो लड़काना घुमाओ, इसका मतलब? लड़काना एक शहर का नाम है क्या? इसके पास तो बुद्धि माया है, अगर तुम्हारे पास पैसे की सफिशियंट मनी है तो लड़काना जरूर जाओ घूमने के लिए। हाँ हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि शिव बाबा है बाप, और सब क्या है? बाप के लड़के। लड़के सिर्फ स्वदेशी हैं या विदेशी भी हैं? लड़के बाप के जो हैं वो सिर्फ स्वदेशी हैं या विदेशी भी हैं? जो विदेशी हैं वो विलायत में रहते हैं या स्वदेश में रहते हैं? हैं, विलायत में रहते हैं ना। और विलायत एक देश का नाम है कि ढेर देश हैं जिनका नाम विलायत है? ढेर के ढेर देश हैं जो विलायत कहे जाते हैं। तो बाप के पास अगर पैसा है जेब में तो विदेश में घूमने जाए या नहीं जाए? बच्चों के पास है, विदेशी बच्चों के पास ना जाए? जाए, कब जा रहे हैं? कब जा रहे हैं माने भागो यहाँ से जल्दी। क्या जब तक बाप बैठा है तब तक हम गीता के भगवान नहीं बन पाएंगे? कब जा रहे हैं? इंटरनेशनल फिगर में जब तक बाप नहीं पहुंचेगा सारी दुनिया मानने वाली नहीं है ना। अच्छा, माने विदेशी जो है बाप को जब सामने देखेंगे तभी पहचानेंगे? जैसे भारत का जो विदेश है दक्षिण भारत वो तो मान रहा है, लेकिन जो 160 कंट्रीज जो बाहर में है, जैसे ब्रिटेन है, चाइना है, जो भी जितने विदेश है, वो लोग तो जब हमारा बाबा वहाँ विदेश में जाएगा तो उसको मान ही लेगा ना। देखो, एक सो के उठ के आ गया। क्या एक जाति होती है मुर्गा, सबको जगा देता है, खुद सो जाता है, पड़े पड़े सोता रहता है, उसको क्या कहते हैं? मुर्गा। क्या करता है? सबको जगा देता है, पहले नंबर में गीता पाठशाला खोल देता है, फिर आराम से सोता रहता है। जब क्लास पूरा होने का टाइम आया तो आकर के उपस्थित। क्या विदेशी है या स्वदेशी है? क्या है? विदेशी, पक्का विदेशी है। इसलिए अलेक्जेंडर ने जब आक्रमण किया था 2000 साल पहले भारत में, तो उनको जो ताज दिखाया जाता है उस ताज में कौन सी पूंछ दिखाई जाती है? मुर्गे की पूंछ दिखाई जाती है। सीरियल देख लो, क्या जितने भी सीरियल आते हैं
उनमें असुरों की और देवताओं की लड़ाई दिखाई जाती है ना, तो असुरों को जो ताज होता है उसमें, ताज में किसकी पूंछ दिखाई जाती है, है? मुर्गों की पूंछ दिखाई जाती है। आपका प्रश्न क्या था? जैसे हमारे अलेक्जेंडर की जो बताया ना, तो अलेक्जेंडर ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई किया, हाँ, तो विदेशी लोग तो कह दिया अलेक्जेंडर जीत गया, लेकिन भारतीय जो पक्के थे वो लोगों ने नहीं, पोलस को जब बांधा, हालांकि बांधा भी नहीं था, विदेशी स्वतंत्र कर दिया था पोलस, ऑलरेडी जब से पोलस को उन्होंने अपने अपने को अलेक्जेंडर को बड़ा दिखाने के लिए पोलस को नीचे दिखाना था, लेकिन इतिहास भारतीय इतिहासकार जो बोलते हैं नहीं, पोलस इस टाइम हरा नहीं था, वो तो पोलस खानी बराबर में आया था टक्कर में, अलेक्जेंडर पूछा पोलस से तुम क्या चाहते हो, एक राजा एक दूसरे राजा पर होता वैसा मैं हूँ, तो अलेक्जेंडर फिर वहाँ से शायद वापस चला गया। एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा व्यवहार मैं भी चाहता हूँ। उसने पूछा आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, अलेक्जेंडर ने पूछा, तो उसने कहा एक राजा दूसरे के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा करिए। तुम भी अपने देश को, मैं अपने यहाँ का राजा हूँ, वो हरा नहीं था, इसको खाली विदेशियों ने खाली हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए हूँ अलेक्जेंडर को आई थे। हाँ जी वो तो ठीक है, शिवलिंग के ऊपर नारियल चढ़ाते उसके अंदर का जो पानी है वो उसी के ऊपर अर्पण कर दिया जाता है। तो जो पका हुआ नारियल है उसका जल ज्यादा पावरफुल होता है, या जो कच्चा नारियल है उसका ज्यादा पावरफुल होता है? आपके यहाँ नेपाल में इतना नारियल होता है, आप यही नहीं जानते कि कच्चा नारियल का जल पिया जाता है या पक्का हुआ नारियल का जल पीते हैं? पका हुआ सूखा जब नारियल हो जाता है, जो सूख जाता है जिसका अंदर का फल पूरा पक जाता है उसका जल पीते हैं? कभी पक्का कभी कच्चा माने जानते ही नहीं। कौन से नारियल का जल पीते हैं लोग? कच्चे नारियल का जल पीते हैं। जो कच्चा नारियल है ना वो है सतो प्रधान स्टेज। नारियल की कैसी स्टेज है? सतो प्रधान स्टेज माने सन 76 से जो त्रिनेत्री शिव का पाठ चलता है शंकर के रूप में, वो सन 76 का सुनाया हुआ ज्ञान ज्यादा सात्विक होता है या बाद में सुनाया हुआ ज्यादा सात्विक होता है? तो कमजोर हो जाएगा। ओल्ड इज गोल्ड, जितना डेली ज्ञान सुन रहे हैं अभी 2000 लोग का सुन रहे हैं। अरे हमने सुना 99 की कैसे 98 की, इतनी पावरफुल कैसे थे अभी जिस बच्चा कैसे नहीं। हाँ तो कच्चा नारियल पीना वो ज्यादा फायदेमंद ताकतवर है या पका हुआ नारियल पीना वो ज्यादा फायदेमंद है? कच्चा नारियल जो होता है उसके पानी में ताकत ज्यादा होती है। माने दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान और बाद में तमो प्रधान बनती है, ऐसे ही शंकर द्वारा जो ज्ञान चलता है वो आदि में बहुत पावरफुल होता है और बाद में वो ज्ञान अनेक मुख में बट जाता है। बटता ही नहीं अनेक मुखों में, बहुत क्लियर नहीं आती है। क्या शुरू वाली जो 76 की जो कैसेट है वो हम लोग 10 कैसेट को कई बार कोशिश की है, आधा चलता है। जिसको चाह उसको राह मिल सकती है, जिसको चाह होगी वो कंप्यूटर में बैठ करके उसको सुधारता रहेगा सुधारता रहेगा सुधारता रहेगा, सुधार सुधार के आखिरी ओरिजिनल चीज निकालेगा या नहीं निकालेगा? अरे पाकिस्तान में प्रजापिता पीयू की वाणी दबा दी गई, कोई को तो चाह होगी है कि वो शुरुआत की जो वाणी है हमको मिल जाए, है कोई को चाह नहीं होगी? हाँ जी, तो जो विदेशी होते हैं ना वो खोज ही प्रवृत्ति के होते हैं, वो ओल्ड इज गोल्ड को पकड़ लेते हैं। हाँ जी, वो वाणी भी मिल जाएगी और जो आदि का स्वरूप है जो बाबा ने बोला है
क्या सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, वो बाप भी संसार में प्रत्यक्ष होगा। हाँ जी राजी की आत्मा अभी कहाँ नेपाल में है? कौन सी गीता पाठशाला? अच्छा।